हेलो फ्रेंड, क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी में क्या हालचाल चल रहा है, तो क्रिप्टो करेंसी की पूरी बात करेंगे। और अगर बात करें क्रिप्टो करेंसी की, तो चाइना ने क्रैक डाउन कर रखा है, ये आपको सबको पता ही होगा। और इसके अलावा ब्लैक स्वान में भाई ये हैं तालिब साहब, इन्होंने कहा है बिटकॉइन बर्थ ऐसे जीरो, तो पूरी खबरें देख लेंगे क्या है क्या नहीं है। और उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और देख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ, अगर भाई आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं नए हैं, तो भाई अवॉइड करें। कोई ज़्यादा इसका मुझे फ्यूचर दिखता नहीं है, ज़्यादा कोई खास फ्यूचर दिखता नहीं है। और अगर आप पहले से भाई जानते हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो भाई आपको ये कहूँगा भाई उतने ही पैसे लगाएं जितना डूबने का डर ना हो। होने को तो भाई आपके पैसे दुगने तुगने मल्टीबैगर हो सकते हैं, लेकिन होने को ये जीरो भी हो सकते हैं। तो उतना ही पैसा लगाएं जितने डूबने का डर ना हो। और अगर आपने लगा दिया ऊपर के प्राइस पे, तो आपको आपको वेट करना पड़ेगा। और अभी काफ़ी सारी कंट्री इस पे कर ही रहे हैं, आपको पता ही है, प्रेशर डाल रही हैं जो भी हैं क्रिप्टो करेंसी उन पे। जैसे इंडिया ने भी काफ़ी प्रेशर डाला है, और चाइना तो कर ही रहा है, और उसकी वजह से तो काफ़ी गिर भी रहा है, चाइना कर रहा है। तो अब देख लेते हैं बिटकॉइन स्लंप फर्दर है, चाइना टाइटन्स क्रिप्टो क्रैक डाउन, ये देख सकते हैं वाई चाइना इज क्रैकिंग डाउन। क्योंकि भाई ये इम्पोज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये नहीं चाहते भाई क्रिप्टो करेंसी चाइना में इतना ज़्यादा पॉपुलर हो, और इससे भाई इसलिए इनकी जो पीपल बैंक ऑफ चाइना करके है, वो भाई इस पर लगाती रहती है, ये चीज़ें करती रहती है। और अब नीचे और देख लेते हैं, बिटकॉइन प्लक्स बिलो $30,000 एज चाइना रैंप अप द प्रेशर ऑफ क्रिप्टो, तो ये देख सकते हैं, ये भी कल की खबर है। इसके अलावा आप देखोगे तो बिटकॉइन देखते हैं नॉच डाइव एज चाइना एक्सपेंड क्रैक डाउन और क्रिप्टो करेंसी माइनिंग, तो ये भी कल की खबर है। तो देख सकते हैं चाइना किस तरीके से कर रहा है। और अगर आज की बात करेंगे, तो कल $30,000 के नीचे गया था बिटकॉइन, लेकिन आज भाई थोड़ा सा इन्होंने किया है, मतलब पॉजिटिविटी दिखाई है और थोड़ा सा ऊपर आया है। देख सकते हैं प्राइस टुडे बिटकॉइन और एथेरियम और यूनिस्वैप गेन अप टू 6% का आसपास गेन किया है। तो गेन किया है, लेकिन मैं बिल्कुल भी भाई इसको अवॉइड करने के लिए बोलूँगा। अगर आप पहले से फंस रखे हैं तो भाई आप कर सकते हैं, बाकी नए नए भाई जो भी करना चाहें। इसको छोड़ के बिटकॉइन में कोई ज़्यादा नहीं रखा है भाई, इनका भविष्य कुछ भी नहीं है। आप करें तो स्टॉक मार्केट में आ सकते हैं, स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होती रहती हैं। और स्टॉक मार्केट में आप जुड़ना चाहते हैं तो स्टॉक मार्केट से जुड़ जाएँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं काफ़ी सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स की वीडियो लेके आता रहता हूँ, पके पकाए स्टॉक्स हो गए और भी हो गए, तो आप सीख सकते हैं यहाँ पर मेरे चैनल पर आके स्टॉक्स के बारे में क्या है क्या नहीं है, पूरा शुरू से देख सकते हैं। और मैं भाई आपको पता है रिस्क वाला काम बिल्कुल भी नहीं करता हूं। रिस्क में ये होता है भाई, होने को तो भाई रिवार्ड मिल गया रिस्क में, तो हो सकता है आप करोड़पति हो जाएं, और अगर भाई नहीं भाई रिवार्ड मिला तो हो सकता है आप करोड़पति हो जाएं। तो दोनों ही भाई चीजें होती हैं, और अगर रिस्क फ्री काम करोगे तो आप टेंशन फ्री रहोगे। और ऐसा भी नहीं कि रात में नींद नहीं आ रही है, बोला बिटकॉइन लेके रखे हुए हैं, क्रिप्टो करेंसी लेके रखी हुई है, अब क्या करें भाई, डाउन होती चली जा रही है, पैसे बार बार देख रहे हैं, ये तो -50% माइनस हो गया, अब क्या करूं। तो इस तरीके से भाई आप करेंगे तो, और इसका कोई ज्यादा भविष्य भी नहीं, सिक्योर भी नहीं है कि भाई एक तरीके से कि भाई सिक्योर हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर आपको करना है तो भाई स्टॉक मार्केट में करें, और आपको ज़्यादा ही पसंद है तो भाई क्रिप्टो करेंसी कर सकते हैं, मैं कोई भाई इसमें कह नहीं रहा हूँ। और अब आप कहेंगे ये कौन सी बात हो गई, तो नसीम तैलब थ्रेसिस बिटकॉइन से एट बर्थ एग्जैक्टली जीरो, तो इन्होंने कहा था ये भाई कौन ब्लैक स्वैन कंपनी के हैं, शायद CEO शायद हैं, तो इन्होंने कहा है। तो सबकी अपनी अपनी सोच है, सबका अलग अलग अपना व्यू है, बाकी मैंने अपना व्यू बता दिया है, बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, आप जहाँ चाहें लगाएं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं। और बाकी वे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद दोस्तों।